Hello students, welcome to my YouTube channel. You are learning English with B.M. Sharma. Now we are reading lesson number 7 of the book Golden Rays, class 10th, RBAC, The Lady or the Tiger. Lady यानी महिला और अथवा चीता, ये कहानी है महिला अथवा चीता, Lady or the Tiger. और इस कहानी के जो लेखक हैं वो हैं फ्रैंक रिचर्ड स्टॉकटन. फ्रैंक रिचर्ड स्टॉकटन ने ये कहानी एक बर्बर राजा के बारे में लिखी है. एक राजा ऐसा असभ्य बर्बर जंगली तरीके का राजा जो पुराने नियमों के हिसाब से कुछ ओल्डन रूल्स उसने बना रखे थे उन्हीं का अनुसरण करते हुए अपने राज्य को चलाता था अपनी मनमर्जी से. बिल्कुल पशुओं जैसा शासन उसके राज्य में था. उसके न्याय करने की जो व्यवस्था थी वो बड़ी ही विचित्र थी, जिसमें एक बार उसकी खुद की बेटी का और उसकी बेटी के प्रेमी का केस उसके पास आ जाता है तो एक विचित्र स्थिति सामने आ जाती है. देखिए इस कहानी में होता क्या है उसको हम पढ़ेंगे. दो पार्ट्स में ये कहानी डिवाइडेड है, पार्ट वन एंड पार्ट टू. तो गाइस लेट्स स्टार्ट रीडिंग पार्ट वन. लॉन्ग लॉन्ग अगो, बहुत समय पहले, देयर लिव्ड अ किंग, एक राजा रहता था हु वॉज क्रूड, जो कि निर्दयी था, एंड वेरी मच लाइक ए सेवेज, और बहुत अधिक वह एक असभ्य बर्बर, सेवेज कहते हैं एक जंगली या बर्बर जानवर की तरह से था. ही हैड लर्नड, उसने सीखे थे सम मैनर्स, कुछ तरीके, फ्रॉम हिज लेटिन नेबर्स, अपने लेटिन पड़ोसियों से कुछ मैनर्स कुछ तरीके उसने सीखे थे. बट मोस्टली, लेकिन अधिकांश रूप से, ही वॉज बार्बरिक, वह बिल्कुल बर्बर था, जानवर जैसा था. लाउड, बहुत तेज बोलता था जानवरों की तरह, तेज चिल्लाता था, एंड ग्रफ, और बहुत ही असभ्यता के साथ में बोलता था. ही हैड नन ऑफ द ग्रेस, तो ग्रेस यानी दया, दया जैसी कोई भावना उसके अंदर नहीं थी. ग्रेस एंड पॉलिस ऑफ हिज नेबर्स, पॉलिस कहते हैं शिष्ट आचरण को, उसके पड़ोसियों जैसा, नेबर्स जैसा कोई शिष्ट आचरण, ग्रेस कोई शिष्टाचार, कोई दया की भावना, ये सारी चीज़ें उसके अंदर नहीं थीं. ही वॉज अ मैन ऑफ ग्रेट फैंसीज, वह बहुत बड़ी कल्पना वाला व्यक्ति था, कल्पनाएं करता था बड़ी बड़ी, एंड इवन ग्रेटर एंथुजियाज्म, और उसके अंदर वह बहुत बड़े, बहुत ज़्यादा जोश वाला, एंथुजियाज्म वाला भी व्यक्ति था, कल्पनाएँ खूब करता था और जोश भी काफ़ी था उसके अंदर. बिकॉज ही हैड सो मच अथॉरिटी एज अ किंग, क्योंकि उसके पास एक राजा वाले बहुत ज़्यादा अधिकार थे, अथॉरिटी थी. ही वॉज एबल टू फोर्स सम ऑफ दीज फैंसीज, ही वॉज एबल, वह समर्थ था टू फोर्स सम ऑफ दीज फैंसीज, इन फैंसी या कल्पनाओं को फोर्स करने में, लागू करने में समर्थ था, इन टू रियलिटी, वास्तविकता में, यानी अपनी कल्पनाओं को वास्तविकता में बदलने के लिए वह ताकत का इस्तेमाल करता था और इसमें वह सक्षम भी था. और एटलीस्ट ही ट्राइड, सक्षम नहीं भी हो पाता तो कम से कम एटलीस्ट वह ट्राइड, कोशिश तो करता ही था. हिज पर्सनैलिटी, उसका जो व्यक्तित्व था, पर्सनैलिटी, वॉज नॉर्मली काम, वह सामान्य रूप से काम यानी शांत रहता था. उसका व्यक्तित्व शांत स्वभाव का था. व्हेन एवरीथिंग वॉज इन ऑर्डर, जब हर चीज ऑर्डर यानी व्यवस्था में होती थी तब उसका व्यक्तित्व शांत रहता था. व्हेन देयर वॉज अ लिटिल हिच, और जब कोई भी समस्या आती, कोई व्यवधान आता, हिच, However, यद्यपि ही वॉज एग्जल्टेंट एंड हैप्पी, यद्यपि वह एग्जल्टेंट का मतलब है खुश मिजाज का, हैप्पी खुश रहता था, तो वह अच्छे मिजाज का और खुश रहने वाला व्यक्ति था. कोई समस्या आ जाए तो भी वह खुश ही रहता था. ही लव्ड इट, उसे प्रिय होता था. व्हेन थिंग्स वेंट रॉन्ग, जब चीज़ें गलत हो जाती तो भी उसको प्रिय लगता था. बिकॉज दैट मेंट, क्योंकि इसका मतलब था, दैट ही कुड देन करेक्ट देम, वह तब उन्हें ठीक कर सकता था. चीज़ें खराब हो जाती तो भी उसे अच्छा लगता क्योंकि अब मौका मिल जाता उसको उनको ठीक करने का. ही लव टू मेक द क्रूक्ड स्ट्रेट, वह उसे बहुत ही प्रिय लगता था. क्रूक्ड स्ट्रेट, क्रूक्ड यानी किसी टेढ़े आदमी को स्ट्रेट या सीधा करना उसे अच्छा लगता था. किसी टेढ़े आदमी को सीधा करना या किसी खराब आदमी को सीधा करना उसको अच्छा लगता था. टू क्रश डाउन, कुचल देना, द अन ईवन प्लेसेस इन लाइफ, जीवन के जो असमतल स्थान हैं
उनको कुचल देना उसको अच्छा लगता था। ही डिसाइडेड, उसने निश्चय किया, दैट देयर शुड बी अ वे, कि एक तरीका होना चाहिए टू ऐड कल्चर, संस्कृति जोड़ने का, टू द लाइव्स ऑफ हिज सब्जेक्ट्स, अपनी प्रजाओं के जीवन में। सब्जेक्ट्स का मतलब है यहाँ पर प्रजा, प्रजा प्रजाजन व्यक्ति, तो प्रजाओं के जीवन में संस्कृति जोड़ने वाला कुछ कोई तरीका होना चाहिए, संस्कार सिखाने वाला कोई तरीका होना चाहिए। हिज मेथड वॉज द पब्लिक एरेना, उसका जो मेथड था, तरीका था, वो था पब्लिक एरेना, जो सार्वजनिक अखाड़ा जिसको कहते हैं एरेना, रण क्षेत्र एरेना होता है, रण क्षेत्र या अखाड़ा, तो सार्वजनिक अखाड़ा उसका तरीका था, वहाँ पर वो न्याय करता था। दे आर ह्यूमंस एंड बीस्ट, जहाँ मनुष्य और पशु, बीस्ट होते हैं पशु, परफॉर्म्ड, वो अपना काम करते थे, बिफोर द ऑडियंस, श्रोताओं के सामने अपना परफॉर्मेंस देते, कार्य संपादन करते, अपना दिखाते थे। बट हिज फैंसीज, लेकिन उसकी कल्पनाएं एसर्टेड देमसेल्व्स हियर, यहाँ पर रूप लेती थी। द एरेना, जो रण क्षेत्र था या जो अखाड़ा था, दैट ही बिल्ट, जो उसने बनाया था, वॉज नॉट फॉर द ऑनर एंड ग्लोरी ऑफ ग्लेडिएटर्स, वो अखाड़ा, ग्लेडिएटर्स कहते हैं लड़ाकुओं को, योद्धाओं को, लड़ाकू या योद्धाओं के ऑनर या सम्मान, ग्लोरी या वैभव के लिए नहीं बनाया गया था अखाड़ा। इट वॉज नॉट फॉर बीस्ट्स, यह पशुओं के लिए भी नहीं था अखाड़ा, टू फाइट ईच अदर, एक दूसरे के लड़ने के लिए, फाइट ईच अदर, पशुओं को एक दूसरे से लड़ने के लिए या लड़ाने के लिए भी नहीं था, टू द फिनिश, ख़त्म करने के लिए, दो जानवरों को अखाड़े में छोड़ दें, एक जानवर दूसरे को फिनिश कर दे, ख़त्म कर दे, इस उद्देश्य से भी अखाड़ा नहीं बनाया गया था। इट वॉज नॉट इवन फॉर थ्रोइंग रिलीजियस हेरेटिक्स टू द लायंस, यह अखाड़ा रिलीजियस हेरेटिक्स या धार्मिक हेरेटिक्स के लिए भी था, के लिए भी नहीं था, जिनको शेरों के सामने फेंक दिया जाता। ऐसा नहीं था कि इस अखाड़े में हेरेटिक्स कहते हैं जो पुरानी विचारधारा को नहीं मानने वाले जो लोग हैं, नई विचारधारा के जो लोग हैं, नव विचारवादी, उनको तो धार्मिक रूप से पुरानी विचारों को नहीं मानने वाले लोगों को शेरों के सामने फेंक दिया जाए, इस उद्देश्य से भी ये अखाड़ा नहीं बनाया गया था। इट वॉज, यह था, ही बिलीव्ड, वह विश्वास करता था, क्या विश्वास करता, कि इट वॉज फॉर द पर्पस, पर्पस कहते हैं उद्देश्य को, यह एक उद्देश्य से बनाया गया था, ऑफ वाइडलिंग, वाइडनिंग होता है विस्तृत करना, डेवलपिंग, विकास करना, द मेंटल एनर्जीज ऑफ हिज पीपल, अपने लोगों की मानसिक ऊर्जा जो है, मेंटल एनर्जी, उसको बढ़ाने के लिए, विकसित करने के लिए यह अखाड़ा बनाया गया था। लोगों की मानसिक ऊर्जा जो है उसको विस्तृत और विकसित करने के उद्देश्य से अखाड़ा बनाया गया था। इट वॉज अ वास्ट एम्पी थिएटर, वास्ट यानी विशाल, एम्पी थिएटर एक थिएटर था, रंगमंच जिसको कहते हैं, रंगमंच था, विद एनसर्कलिंग गैलरीज, जिस पर चारों तरफ घेरा बनाते हुए गैलरी थी, गलियारे थे, मिस्टीरियस वॉल्ट्स, और रहस्यमयी अंदर वॉल्ट्स थे, वॉल्ट होते हैं तहखाने, अंदर तहखाने बने हुए थे जिसमें से किसी व्यक्ति को रख सकते हैं हम, एंड अनसीन पैसेजेस, और अनदेखे हुए गलियारे या बरामदे बने हुए थे इसमें। इट वॉज टू बी अ मीन्स, यह एक माध्यम था, साधन था, फॉर पोएटिक जस्टिस, काव्यगत न्याय के लिए यह एक साधन था। इट वॉज टू बी अ प्लेस, यह एक ऐसा स्थान होना था, वेयर क्राइम वॉज पनिश्ड, जहां अपराध को दंड दिया जाता, और वर्चू रिवार्डेड, अथवा जो सद्गुण है, वर्चू है, पुण्य है व्यक्ति का, रिवार्डेड, उसको पुरस्कार दिया जाता, ऑल बाय चांस, एकदम से, अचानक से। यानी कि यहाँ पर एक ऐसी व्यवस्था बना रखी थी राजा ने कि जिसने कोई क्राइम किया, अपराध किया, उसको एकदम से दंड मिलेगा, एकदम से मृत्यु मिलेगी, और जिसने वर्चू किया है उसको अकस्मात ही, अचानक से ही पुरस्कार मिल जाता। नेक्स्ट पैराग्राफ हम पढ़ रहे हैं, व्हेन द किंग, जब राजा, व्हेन द किंग वॉज इंटरेस्टेड, जब राजा की रुचि होती थी इन पीपल, लोगों में, एंड देयर क्राइम्स, उनके अपराधों में,
ही वुड डिक्टेट, वह आदेश सुनाता था, डिक्टेट करता था, दैट देयर फेट, कि उनका जो भाग्य है, शुड बी डिसाइडेड इन द एरेना, उसका निश्चय इस अखाड़े में होना चाहिए, उनकी किस्मत का, लोगों की किस्मत का निश्चय उनके अखाड़े में होना चाहिए। दिस किंग न्यू नो ट्रेडिशंस, ये राजाएं कोई परंपराएं नहीं जानता था, ये राजा फ्रॉम अदर किंगडम्स, दूसरे राज्यों से इस राजा ने कोई भी परंपराएं नहीं सीखी थी। हिज ओनली एलिगेंस वॉज टू हिमसेल्फ एंड हिज ओन फैंसीज। अब मान लीजिए एलिगेंस आ गए यहाँ, तो एलिगेंस का मीनिंग जस्ट नीचे आप देख सकते हैं, एलिगेंस के बारे में लिखा हुआ है लॉयल्टी, फेद यानी वफादारी, वफादारी विश्वास। तो हाँ, यहाँ है एलिगेंस, हिज ओनली एलिगेंस, उसकी जो केवल वफादारी किस चीज से थी, वॉज टू हिमसेल्फ, वो केवल खुद से ही वफादार रहता था, एंड हिज ओन फैंसीज, अपनी कल्पनाओं के प्रति वफादार रहता था। दिस फैंसी, और यह कल्पना, द चांस, कल्पना थी उसका चांस, यानी अवसर, एकदम से अवसर मिलता था, चांस, अकस्मात कुछ होता था, फेट डिसीजन, किस्मत का निर्णय, इन द एरेना, अखाड़े में, अखाड़े में किस्मत का निर्णय, एक अकस्मात अवसर की तरह अचानक से होना, यह उसकी कल्पना थी। तो केम अबाउट, उसकी कल्पना पूरी हुई थी बिकॉज ऑफ हिज रोमांटिक येट बार्बरिक आइडलिज्म। कल्पना उसकी केम अबाउट का मतलब अपना रूप लेने लगी थी, बाहर आने लगी थी, उसके रोमांटिक येट बार्बरिक, रोमांटिक है प्रेम से संबंधित, आनंद से संबंधित, हमारे अंदर उमंग पैदा कर देने वाली रोमांटिक, येट बार्बरिक, फिर भी बर्बर, असभ्य जानवरों जैसा आइडलिज्म, आदर्शवाद था उसका, तो वो यहाँ पर रंग लेने लगा था, उसके विचार और उसकी कल्पना इधर रंग लेने लगी थी, कुछ चीज़ों की वजह से उसके अंदर ऐसे भाव थे, रोमांचित कर देने वाला भाव, और बिल्कुल जानवरों जैसा उसका आदर्शवाद, ऐसी चीज़ें थी इधर। When all the people had gathered, जब सारे लोग इकट्ठे हो गए थे, in the galleries, गलियारों में, and the king was seated on his throne, और राजा अपनी सीट पर बैठ जाता था, अपने सिंहासन पर, थ्रोन कहते हैं सिंहासन को, हाई अप, बिल्कुल ऊपर, ऑन वन साइड ऑफ द एरेना, अखाड़े के एक तरफ, जब राजा अखाड़े के एक तरफ अपनी सीट पर बैठ जाता अपने सिंहासन पर और लोग इकट्ठे हो जाते थे, तो ही वुड गिव अ सिग्नल, वह एक संकेत देता था, अ डोर बीनीथ हिम, उसके नीचे एक दरवाजा जो था वुड ओपन, वो खुलता था, एंड द अक्यूज्ड पर्सन, और दोषी व्यक्ति जिस पर अभियोग चल रहा है, अक्यूज्ड पर्सन, वुड स्टेप आउट इनटू द एम्पी थिएटर, वह चल करके रंगमंच पर आता था, डायरेक्टली ऑपोजिट, सीधे सीधे बिल्कुल सामने मुंह करके, द अक्यूज्ड, देयर वर टू डोर्स, यानी उस दोषी व्यक्ति के मुंह के ठीक सामने वहाँ दो दरवाजे हुआ करते थे, एग्जैक्टली अलाइक एंड साइड बाय साइड, बिल्कुल एक जैसे, एक दूसरे से सटे हुए, बिल्कुल दो दरवाजे, दो तहखानों पर सामने दरवाजे लगे रहते थे, दोषी व्यक्ति के मुंह के सामने ठीक। द पर्सन ऑन ट्रायल हैड टू वॉक ओवर, द पर्सन ऑन ट्रायल यानी जिस व्यक्ति की पेशी होनी थी, ट्रायल का मतलब है यहाँ अभियोग चलाने से, जिस व्यक्ति पर अभियोग चलाया जाना था, हैड टू वॉक, उसे चलना होता था, वॉक ओवर टू दोज डोर्स, उन दरवाजों तक उसे चलकर जाना होता था, एंड ओपन वन ऑफ देम, उनमें से एक को खोलना होता था, यानी जिस व्यक्ति पर केस चलाया जा रहा है, अभियोग चलाया जा रहा है, वो व्यक्ति सेम दरवाजे सामने, उनमें से एक दरवाजे को खोलेगा, एक दरवाजा खोलना है कोई भी,
और उसकी किस्मत जो है वो निर्धारित होती थी कि वो कौन सा दरवाज़ा खोल पाता है। ही कुड ओपन विच एवर डोर ही वॉन्टेड, जिस किसी दरवाजे को चाहता खोल सकता था। ही वॉज सब्जेक्ट टू नो प्रेशर, उस पर कोई दबाव नहीं रहता था। फ्रॉम द किंग और हिज कोर्ट, राजा से या उसके दरबार से, कोर्ट से कोई दबाव नहीं रहता था सामने वाले व्यक्ति पर कि वह अपराधी व्यक्ति कौन सा दरवाजा खोलेगा। द ओनली इन्फ्लुएंस वॉज, एकमात्र प्रभाव जो पड़ता था दैट ऑफ फेट और लक, वो था किस्मत का, भाग्य का या किस्मत का प्रभाव पड़ता था। इफ द अक्यूज्ड, यदि दोषी व्यक्ति ओपन्ड वन डोर, एक दरवाजे को खोलता तो अ हंग्री टाइगर केम आउट, एक भूखा चीता बाहर आता था। इफ द फायरसेस्ट एंड मोस्ट क्रूअल, इट वॉज द फायरसेस्ट, ये सबसे ज़्यादा आक्रामकता भरा होता था, मोस्ट क्रूअल सबसे ज़्यादा निर्दयता भरा होता था, दैट कुड बी फाउंड, जो मिलता उसे। एंड इट इमीडिएटली जम्प्ड ऑन हिम, और वो शीघ्र ही उसके ऊपर कूदता था। एंड टोर हिम, उसे फाड़ देता था। टेयर मीन्स फाड़ना, टी ए आर, टेयर फाड़ना, उसकी सेकेंड फॉर्म टोर। तो टोर हिम, उसे फाड़ देता था इन टू पीसेस, टुकड़ों में, एज अ पनिशमेंट ऑफ हिज गिल्ट, उसके गिल्ट या अपराध के पनिशमेंट या दंड के रूप में व्यक्ति उसे फाड़, वो टाइगर उसे फाड़ देता था। तो यहाँ पर लेखक कहना चाहते हैं कि जब दो दरवाजे हैं अपराधी व्यक्ति के सामने, कोई भी दरवाजा खोल सकता, अगर वो एक दरवाजा खोलता है तो उस एक दरवाजे में, एक दरवाजा कौन था, लेफ्ट होगा कि राइट होगा ये श्योर नहीं था, एक दरवाजा खोलता और उसमें से टाइगर निकलता जो बहुत ही आक्रामक, बहुत ही निर्दयता के साथ उसके ऊपर कूद पड़ता था और उस अपराधी व्यक्ति को चीर फाड़ कर देता, टुकड़े टुकड़े कर देता उसके, और यही उस व्यक्ति का दंड होता था या उसके अपराध का दंड हुआ करता था। When the fate of the criminal was thus decided, जब क्रिमिनल या अपराधी का फेट या भाग्य दस मीन्स इस प्रकार से डिसाइड, निश्चय किया जाता था, तो सैड आयरन बेल्स, दुख भरी हुई लोहे की घंटियां, आयरन बेल्स वर रंग, वो बजाई जाती थी। यानी जब व्यक्ति को टाइगर चीर फाड़ करके खा जाता था, उस समय लोहे की घंटियां बजाई जाती थी जिनसे कि दुखद आवाज निकलती थी। एंड ग्रेट वेल्स, ग्रेट यानी जोर जोर से, वेल्स कहते हैं विलाप करना, जोर जोर से रोना, दहाड़े मार मार कर रोना, किसी के मरने पर जैसे रोया जाता है ऐसे विलाप किया जाता था जोर जोर से। वेल्स वेंट अप फ्रॉम द हायर्ड मॉर्नर्स, मॉर्नर्स कहते हैं शोक व्यक्त करने वालों को, हायर्ड हैं किराए पर आने वाले शोक व्यक्त करने वाले, जब कोई व्यक्ति मर जाता था तो उसके लिए रोने वाले किराए पर आते हैं, लेडीज या जेंट्स जो हैं, तो किराए के रोने वाले, उनके द्वारा जोर जोर से विलाप किया जाता था। लोहे की घंटियां बहुत दुखद ध्वनि के साथ बजती थीं। हुबर पोस्टेड आउटसाइड द एरेना, यानी किराए के रोने वाले एरेना के बाहर, उस अखाड़े के बाहर पोस्टेड यानी उनका स्थान रहता था। द ऑडियंस वेंट होम, श्रोतागण घर चले जाते थे, बोर्ड हेड्स झुके हुए, विद बोर्ड हेड्स झुके हुए सिरों के साथ, वो मीन्स झुकना, झुके हुए सिरों के साथ श्रोतागण घर चले जाते थे। एंड डोलफुल हार्ट्स, और दुख भरे हुए हृदय के साथ घर चले जाते थे। सैड, वह दुखी होते थे, दैट वन सो यंग एंड फेयर, कि वह व्यक्ति, सो यंग इतना जवान, फेयर इतना सुंदर, और सो ओल्ड और रेस्पेक्टेड, अगर वो जवान और सुंदर नहीं होता तो कहते कि इतना बूढ़ा और सम्माननीय व्यक्ति शुड हैव मेरिटेड सच अ फेट, उसको इस प्रकार का भाग्य मिला। इस प्रकार की बातें कहते हुए बड़े डोलपूर्ण हार्ट जो है, डोलफुल हार्ट, दुखपूर्ण हृदय और झुके हुए सिरों के साथ अपने घर लौट जाते थे लोग। ये एक स्थिति थी जब पता नहीं कौन सा दरवाज़ा खोलेगा जो दोषी व्यक्ति है जिस पर अभियोग चल रहा है। इफ ही ओपन द अदर डोर, यदि वह दूसरे दरवाजे को खोलता तो अ लेडी केम आउट, एक महिला बाहर आती थी। यदि अपराधी व्यक्ति
अन्य दरवाजे को खोलता तो उसमें से एक महिला आती थी। द किंग ऑलवेज चूज द लेडीज हिमसेल्फ, महिलाओं को राजा खुद चुनता था। ही मेड श्योर, वह बिल्कुल विश्वस्त हो जाता था, दैट ईच वाज ऑफ द सेम एज, कि प्रत्येक महिला उसी उम्र की होती, एंड स्टेशन उसी स्तर की होती, एज द अक्यूज्ड, जितने उम्र का वो दोषी व्यक्ति है। एंड दैट शी वॉज ब्यूटिफुल, और कि वह सुंदर होती थी, बहुत खूबसूरत होती थी। ऐसी महिला खुद राजा अपने द्वारा, स्वयं के द्वारा चुन करके लाता था। अपराधी व्यक्ति की उम्र के बराबर बहुत ही खूबसूरत महिला को चुन करके राजा लाता था। अगर अपराधी व्यक्ति दूसरे दरवाजे को खोलता है तो उसमें से एक महिला निकला करती थी। रूल वॉज दैट, नियम ये था कि द अक्यूज वॉज टू मैरी हर इमीडिएटली, अक्यूज या दोषी व्यक्ति को उस महिला से शादी करनी होती थी इमीडिएटली, उसी क्षण। तभी तो अक्यूज व्यक्ति को उस महिला से तुरंत ही शादी करनी होती थी। एंड दैट सी वॉज ब्यूटिफुल, सॉरी, इट डिडेंट मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, इफ ही वर ऑलरेडी मैरिड, यदि वह पहले से शादीशुदा हो, एंड हैड अ फैमिली, उसका परिवार हो, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उस व्यक्ति को उस खूबसूरत महिला से शादी करनी ही होती थी। द लेडी वॉज अ साइन ऑफ हिज इनोसेंस, वह महिला उसके इनोसेंस यानी मासूमियत का साइन यानी चिन्ह होती थी, प्रतीक होती थी उसकी मासूमियत का, उसकी निरपराध होने का सबूत होती थी। सो इफ द अक्यूज्ड ऑलरेडी लव्ड अनोदर, इसलिए यदि जो दोषी व्यक्ति है वो पहले से किसी को प्यार करता, ऑलरेडी लव्ड अनोदर, पहले से किसी को प्यार करता, तो दैट अदर वॉज टू बी फॉगॉटन, उसको भुलाना होता था, यानी उसकी शादी नहीं हुई दोषी व्यक्ति की और वो किसी और को प्यार करता है तो उसको उस लड़की को भुलाना होता था, शादी इसी से करेगा वो जिसको राजा चुन करके लाए हैं। इट वॉज द किंग्स वे, यह राजा का तरीका था। ही अलाउड नथिंग टू इंटरफेयर, ही अलाउड नथिंग, उसको कुछ भी इंटरफेयर करने का, व्यवधान करने की मंजूरी नहीं थी विद हिज डिजाइन, अपने राजा के योजना में। इंडीड, वास्तव में, इमीडिएटली आफ्टर द लेडी अपियर्ड, वह महिला अपियर होती, वहाँ प्रकट होती है, दिखाई देती, उसके ठीक बाद अनोदर डोर बीनीथ द किंग ओपन्ड, राजा के नीचे का अन्य दरवाजा खुलता था। एंड आउट, और उसमें से बाहर निकलते थे, केम, बाहर आते थे, अ प्रीस्ट, एक पुजारी, अ म्यूजिशियन, एक संगीतकार, सिंगर्स, गायक, एंड एक पुजारी निकलता, कुछ संगीतकार निकलते, कुछ गीतकार निकलते थे, एंड अ ट्रुप ऑफ डांसर्स, और नाचने वालों का एक दल निकलता था, एक बैंड निकलता था नाचने वालों का। इन अ प्रोसेशन, एक जलसा निकलता, एक जुलूस निकलता, एक बारात निकलती थी प्रोसेशन। दे ऑल चेयरफुली मार्च्ड, वे सभी चेयरफुली यानी खुशी खुशी से मार्च चल करके जाते थे। एंड सेंग, और गीत गाते थे, फॉर द कपल, उस जोड़े के लिए, स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द एरेना, जो अखाड़े के बीच में खड़ा हुआ है। तो ये सभी अपने अपने बैंड बाजे बजाते, गीत गाते थे, नाचते थे, प्रोसेशन एक बारात जैसा निकालते थे। द बेल्स रैंग, घंटियां बजती थीं, द ऑडियंस शाउटेड इट्स अप्रूवल, और जो श्रोतागण थे वो अपना अप्रूवल, अपनी मंजूरी देते थे शाउटेड, चिल्ला करके। एंड द इनोसेंट मैन, और जो मासूम आदमी था, प्रसीडेड बाय चिल्ड्रन, उस मासूम आदमी के आगे आगे बच्चे चलते थे, प्रसीडेड बाय चिल्ड्रन, उसके आगे आगे बच्चे चलते थे, स्ट्रिंग फ्लावर्स, फूल बिखेरते हुए, इन द कपल्स पाथ, उस जोड़े के रास्ते में जो नव दंपत्ति बनने वाला है अब, उसके जोड़े के रास्ते में फूल बिखेरते हुए कुछ बच्चों का दल उनके आगे चलता था। लेड हिज न्यू ब्राइड टू हिज होम, जो नया कपल था, लेड इज न्यू ब्राइड टू हिज होम, वह अपनी नई पत्नी को घर ले जाता था। तो इस तरह से राजा की व्यवस्था थी,
एक दरवाजा खोलेगा तो टाइगर निकलेगा जो उसको चीर फाड़ करके खा जाएगा। दुख भरी घंटियां बजेंगी, लोग दुख के साथ घर जाएंगे। और दूसरा दरवाजा खुल गया तो ये उसकी किस्मत की बात, उसमें से बहुत ही खूबसूरत महिला निकलेगी। वो शादीशुदा हो चाहे उसकी कोई प्रेमिका हो, प्रेमिका होगी तो उसे भूलना होगा, शादीशुदा होगी तो उसके साथ में दूसरी पत्नी, जो नई बहुत खूबसूरत पत्नी आने वाली, उसको स्वीकार करना होगा। यही राजा का आदेश होता था। बारात की तरह से पूरे जश्न के साथ में घर तक उनको पहुंचाया जाता था। तो गाइस, इट्स एनफ फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, उसकी लेसन नंबर 7 के पार्ट 2 में मिलेंगे। टिल देन बाय बाय।